हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक चल रहा था हमारा डाइजेशन, पाचन। तो वो हमने किस किस में पढ़ लिया था? हमने मानव के अंदर पाचन पढ़ लिया था, ठीक है, कि उनके अंदर जो डाइजेशन है वो कैसे कैसे होगा, जैसे पूरी जो पाचन की क्रिया है वो किस किस टाइप से होती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अभी क्या, इसके अलावा कुछ और जो जीव होते हैं, जैसे कि और एक्स्ट्रा जो जीव होते हैं, उनके अंदर पाचन कैसे कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल से किस में अलग तरीके से होता है, किस में अलग तरीके से होता है, तो वो कैसे कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कुछ अन्य जीवों में डाइजेशन इन, किस में पाचन, कुछ अन्य जीवों में पाचन। ठीक है, यहाँ पे उनके अंदर पाचन कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे ना हम 2-3 जीव हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब कि वो जीव कैसे कैसे पाचन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। आप वीडियो को देखते रहिए कि पाचन जो है वो कैसे कैसे, हमने किस में अमीबा में बताया था आपको कि अमीबा में कैसे पाचन होता है वो बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले जीव आ रहा है युगलीना। इसमें क्या पढ़ना है हमें? डाइजेशन। टॉपिक क्या है हमारा? डाइजेशन इन सम अदर एनिमल्स, दूसरे कुछ जीवों में पाचन। युगलीना के अंदर हम देखें तो ये कैसा है? ये ऑटोट्रोपिक है। मतलब क्या मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो स्वपोषी पादप हैं उनसे भी भोजन युगलीना, मैंने कब बताया था, युगलीना में यानी ये स्वपोषी है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं या फिर और कौन से प्लांट्स, जैसे जो जो संपोषी पादप होते हैं, अमृतपोषी, दोनों टाइप के, मतलब इसके लिए हम बात करें कि किस टाइप का भोजन ग्रहण करता है, किस टाइप से पोषण होता है, इसको मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। मिक्सो का मतलब होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजें मिक्स होना। वो कैसे, इसका जो डाइजेशन उसको हमने क्या बोला? मिक्सोट्रोपिक डाइजेशन। ये इसको मिक्सोट्रोपिक, मिश्रित पाचन किससे कैसे हो सकता है इसके अंदर? देखिए ये क्या, ये दोनों जो दोनों टाइप के जीव हैं, जिसकी जो समपोषी हैं और जो मृतपोषी हैं, उन दोनों टाइप के, जैसे उनसे दोनों प्रकार के जीवों से क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। इसलिए इसको क्या बोला? मिक्सोट्रोपिक। कैसे? स्वपोषी पादप हो एक तो, कैसे प्लांट्स हो, ऑटोट्रोपिक हो, ठीक है, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हो, या उसके साथ में कौन से जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट जो मृत जीवी जो होते हैं, उन दोनों टाइप का, यानी कि दोनों टाइप का पोषण होता है। एक तो स्वपोषण जिसको बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक टाइप का भी होता है, और दूसरा जो सेप्रोफाइटिक टाइप का, दोनों टाइप का होता है। क्या हो गए? ऑटोट्रोपिक प्लस में सेप्रोफाइटिक, दोनों टाइप का इसके अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेशन पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला हमने? मिक्सोट्रोपिक बोला है। ठीक है, किसको? युगलीना को। मतलब दोनों तरीके से क्या, इसके अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है, स्वपोषी तरीके से भी और मृतपोषी तरीके से भी। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा जीव है जिसके अंदर दोनों टाइप का पोषण मिक्सोट्रोपिक होता है? तो कौन होता है? युगलीना होता है।
तो बात हो गई कि युगलीना के अंदर कैसे होगा डिजेशन। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट क्या जो जिसे हम केचुआ जिसको हम बोलते हैं, उस केचुए के अंदर पाचन, ये तो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म होता है, उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब हम किस में डाइजेशन पढ़ रहे हैं, अर्थवर्म या फिर इसको बोलते हैं केचुआ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में, इसको किसान का मित्र भी बोलते हैं, जो केचुआ होता है इसको किसका दोस्त बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। ठीक है, किसान मित्र किसको बोलते हैं, ये जो केचुआ होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या आपने देखा वो केचुआ, आपने खुद ने भी देखा, जैसे बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम क्या बारिश के साथ साथ में बारिश होने के बाद में लंबे लंबे से वो निकलते हैं जीव से, वो उस पर मिट्टी में निकलते रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही घुस जाते हैं वो पूरे, तो वो क्या होता है, वो केचुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर जैसे कि इसके अंदर हम बात करें, जैसे हमें पाचन की बात करनी है, तो इसका जो फूड होता है, मतलब ये कैसे करेगा, एक प्रोसेस क्या होगी, जो पंपिंग की जो क्रिया होती है, उस पंपिंग क्रिया के द्वारा क्या करेगा, ये भोजन जो उसका कैसे करेगा, पाचन करेगा, किस तरीके से करेगा। देखिए भोजन है, उसको क्या, उसको लेके उस भोजन को उसमें, और फिर मिट्टी के अंदर क्या कर लेगा, मिट्टी में घुस जाता है उसके ऊपर पूरी तरह से, क्या होता है, मिट्टी में जाता है। अब इसके बाद क्या करेगा, अब जैसे जो सभी जो इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसकी जो जैसे नाल की जो दीवारें होती हैं, उसमें क्या करेगा, जैसे जो चूषण क्रिया द्वारा, तो उसके द्वारा क्या करेगा, मिट्टी से जो मुख है ना उसमें क्या, उसको खींच, उसको शक करता रहता है, वहाँ से मिट्टी जो है उसको क्या उडेलता रहता है, उस मिट्टी को लेके माउथ में, मिट्टी को लेके उसमें रख लेता है, फिर क्या करता है कि जो माउथ के अंदर शक कर रहा है, उसे चूषण की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा करता है, फिर क्या करता है, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो इस तरीके से क्या माउथ में इसको खींचता जा रहा है मिट्टी के कणों को। इसने क्या किया कि इसकी जो नाल की भित्ति होती है, ये जब नाल के मतलब इसमें नाल की अगर बात करूँ तो जो ग्रसनी होती है इसकी, नाल की जगह ग्रसनी यूज ले सकते हैं, इसकी जो आहरनाल होती है वो इसकी पूरी लेंथ में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी ग्रसनी की जो दीवारें होंगी उसके क्या करेगा, उसकी दीवारों से क्या, उसकी दीवारें शक करेंगे, चूषण करेंगे, और क्या करेंगे, जो मिट्टी के कण है उसको लगातार क्या करता रहेगा, माउथ के अंदर खींचता रहेगा। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है किसके अंदर, जो केचुआ होता है इसके अंदर क्या करेगा, पंपिंग जो प्रोसेस होती है, पंपिंग की जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या करता है, ये भोजन को ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थों को क्या करेगा, मिट्टी में क्या करता रहेगा, उसको ढक देता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से करेगा, पंपिंग प्रोसेस। ठीक है, पंपिंग क्रिया होती है जिससे क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस करता है, इससे क्या करेगा, ये जो फूड होगा उसका डाइजेशन करेगा, कौन करेगा, केचुआ। कैसे करेगा ये, जैसे कोई भी, और इसका खाने की हम बात करें किसका खाना क्या होता, मतलब इसका फूड अगर हम देखें तो किसको खाएगा, यानी कि जो वनस्पतियां होती हैं हमारी उनको खाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या, जैसे कि आप ऐसे लगा लीजिए जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, केचक जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको, मेल जो वनस्पति वगैरह होती है उसको क्या करता है, ये भोजन के अंदर ग्रहण करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, उसको कौन ग्रहण, कौन उसके, और केचुआ करेगा, उसी के अंदर होगा इसके डाइजेशन। अभी क्या करेगा, जो भी भोज्य पदार्थ आए थे उसको क्या करेगा, जिसका माउथ होता है उस माउथ को क्या, मिट्टी के अंदर क्या लगाता है, ये उसके अंदर लगातार दबाता जाता है, भोज्य पदार्थों को लेके फूड मटेरियल लिया, उसके बाद क्या करेगा, अपना जो माउथ होता है उसको किसके अंदर दबा लेगा, मतलब एक तरीके से लगा जाए ढक लेता है अपने माउथ को, जो मिट्टी होगी, सोइल जो होगी उससे क्या करेगा, ढक लेता है। फिर क्या करेगा, इसका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, कौन सा, ग्रसनी वाला, ग्रसनी वाला। ठीक है, इसका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसकी क्या, उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं वो क्या करेंगे, शक करेंगे, चूषक कर, शक का मतलब होता है चूसना। ठीक है,
ये क्या करेंगी, वो शक करेंगे कि इसको इसके क्या करेगा। फिर ये जो मिट्टी के जो कण होते हैं यानी कि जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं, उन मिट्टी के कणों को क्या करेगा, मतलब जो शक करेगा, जो चूसेगा, तो मिट्टी, वो जो मिट्टी के कण होते हैं, उन मिट्टी के कणों को क्या कर लेगा, ये उन मिट्टी के कणों को खींचता रहता है। इस तरीके से धीरे धीरे उसमें, इसीलिए क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर अपने आप से चला जाता है, फिर थोड़ी दूर बाद में जाकर फिर निकल आता है। ये तो इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, कि एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस देखते हैं। तो वो इसकी बॉडी की जो फुल लेंथ होती है, पूरी क्या होती है, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है संपूर्ण लंबाई में प्रेजेंट होती है, इसकी फुल लेंथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, फुल लेंथ में प्रेजेंट होगी, हो गया। और इसकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल मतलब कंप्लीट होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्लीट होगी इसके मतलब ऐसा गलचर तो पूरी होगी, तरह से सीधी भी नहीं होती है, ठीक है, पूरी सीधी नहीं होती। कैसे पाई जाती है, कहाँ पे, संपूर्ण लंबाई में पाई जाती है। और इसके अंदर हम बात कैसे माउथ की और जो एनएस वाला पार्ट होता है उसकी, तो इसमें क्या आगे और पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ और एनएस कहाँ पाए जाएंगे, जो आगे और पीछे दोनों साइड के जो छेद के रूप में क्या पाए जाएंगे, माउथ और एनएस पाए जाएंगे। तो ये तो बात होती है किसके अंदर, जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसके अंदर पाचन कैसा होता है, ठीक है। पाई संपूर्ण लंबाई में जाती है, लेकिन जैसे पूरी तरह से मान दो उसको पूर्ण या फिर सीधी होती है, उस टाइप की नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये तो बात होती है किसके अंदर, केचुए के अंदर, डाइजेशन की। इसके अंदर सीधा क्वेश्चन बनता है, क्या केचुए के अंदर पाचन को बताइए, या फिर जो जुगलिना है उसके अंदर पाचन को बताइए, किस टाइप का है वो, मिक्सोट्रोफिक है, ठीक है, या किसान का मित्र किसको बोलते हैं। ये अभी तक आपको समझ में आया, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ गया है। कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लगातार आपको, आपके साथ जुड़े रहे और पूरा मैटर आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाएं, जल्द से जल्दी प्रोवाइड करवाएं। अभी नेक्स्ट क्या आता है, अगला आता है अमीबा में पाचन। अब आपको मिलेगा कि जो क्वेश्चन है वो उसका रिप्लाई क्या है। अब हम पढ़ेंगे किसके अंदर पाचन, अमीबा में पाचन। हमने अभी युगलिना में पढ़ लिया, युगलिना के साथ किस में पढ़ा हमने, केचुए में पढ़ा। अभी नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, अमीबा। अब पाचन आएगा अमीबा में। सबसे पहले तो देखें ये जो फाइलम्स का डिवाइडेशन होता है इसके अंदर, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन से फाइलम का है ये प्रोटोजोआ का है। प्रोटोजोआ का सदस्य प्रोटोजोअन, ठीक है, पहली बात हो गई। किसका सदस्य है, प्रोटोजोआ का। अमीबा प्रोटोजोआ का मेंबर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंस देखें तो कहाँ होगा, ये एक्वेटिक एनिमल है, मतलब कहाँ पे रहेगा, ये पानी में रहेगा, ठीक है, पानी के अंदर पाया जाता है। कौन पाया जाता है, जो अमीबा होता है वो, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर से जो पाचक क्रियाएँ जो होती हैं मेनली, मतलब वो होगा कैसे, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वो डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर, जो अमीबा होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और इसके जीव के बाद ये कैसा होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब है, यूनि का मतलब होता है एक। इसकी बॉडी किससे मिलके बनी है, एक कोशिका से। इसको आप चाहे अकोशिकीय कह सकते हो या एक कोशिकीय, कुछ भी कह दो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर डाइजेशन होगा कैसे, बात भी तो ये आती है। इसमें डाइजेशन देखिए, ये अमीबा है इस टाइप का है, मान लीजिए देखिए, ठीक है। जब इसको कहीं पे क्या दिखेगा, ये फूड पार्टिकल दिखा, खाने का कण दिखा, तो इसने क्या किया, मतलब इसमें डाइजेशन होता है स्यूडोपोडिया द्वारा, स्यूडोपोडिया द्वारा, या कूटपाद बोलते हैं इनको हम, क्या बोलेंगे इनको, कूटपाद बोलते हैं। डाइजेशन किससे होगा, कूटपाद से होगा।
ये इसको क्या मतलब, यहाँ पे कूट पात्र का क्या मतलब है वो हम भी बताएंगे। तो देखिए ये भोजन का कण दिखा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाथ पर कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, इसके बॉडी की स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होती, ये क्या इस टाइप का है, तो ये अभी क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल है ना, इसके चारों तरफ इस टाइप से इकट्ठा होने लग जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे 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 ये प्रोसेस हुई, अब ये जो था ये इसके खाने का जो कण है, ये खाने के कण इसके अंदर आ जाएंगे, इसने क्या किया, अब यहाँ पर जो इसने अंदर फिर क्या किया, अब जैसे क्या, तो इसके अंदर जो जूसेस होते हैं, जो वापचे जूस होते हैं, वो सिक्रेट होने लग जाते हैं, क्या सिक्रेट होने लग जाएंगे, मेटाबॉलिक या डाइजेशन के लिए जो भी जूस रस चाहिए होते हैं वो, जैसे भोजन अंदर गया तो क्या, अब ये इस तरीके से क्या पूरी तरह से इसको अंदर ले लेता है, और इसके अंदर क्या डाइजेशन के प्रोसेस ऐसे, अब बात छोड़ो पड़े क्या, इसने ये जो स्ट्रक्चर किसी भी भोजन के चारों इसके शरीर से क्या, कूट पाद का मतलब होता है पैर से रिलेटेड, तो ये क्या करता है कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखेगी, जिस भी दिशा में गति करने होगी उस दिशा में ये करती है, जैसे नॉर्मल एस टाइप का है, इसको जान मान लीजिए उस दिशा में जानती है, क्या करेगा उस साइड सूडोपोडे निकाल देगा, फिर उस दिशा में चला गया लुढ़क के, ठीक है। भोजन का कण होगा उसके चारों तरफ इस टाइप से, मान लीजिए भोजन का कण दिखा उसके चारों तरफ उसको दबा लिया, ऐसे ऐसे करते पूरी तरह से, फिर इसका इसके जैसे जूस राइट तो भोजन के जैसे संपर्क में आया तो जूस सिक्रेट होने लग जाएंगे और फिर क्या कर देगा उसका पाचन कर देगा। तो इस तरीके से होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होगा, स्यूडोपोडिया के द्वारा पाचन किसके अंदर होता है, जो अमीबा होता है इसके अंदर होता है। अब बात आती है हमारे आज के क्वेश्चन की, हमारे आज का क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में जीव कौन सी गैस लेते हैं, जीव का मतलब पता है क्या होता है, जीव का मतलब होता है पेड़ पौधे भी और जंतु भी, ठीक है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज ली जाती है, कौन सी गैस ली जाती है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी गैस ली जाती है, जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे, इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।